Good morning, all of you. So today I'm going to start a new chapter, that is chapter 7. Do not be lazy. This is of your small size book, page number 40. Once upon a time, there lived a donkey. एक बार की बात है, एक donkey रहता था. And he was very lazy. But his master, who used to trade in salt, made him work hard every day. जो इसका master था, वो एक trader था. और trade किस चीज़ का करता था? Salt का. So इसे donkey, वो जो master था, वो donkey को बहुत work hard करवाता था. कैसे? By carrying sacks of salt. He used to make his donkey carry heavy sacks of salt to the market daily. And the donkey named Kalu by his master did not like to work at all. और ये जो donkey था, उसका नाम क्या था? Kalu था. जो इसका नाम Kalu, इसके master ने रखा था. And he did not like to work at all. Instead, he wanted to eat, sleep and make merry all day long. So, ये जो donkey था, इसे काम करना एकदम पसंद नहीं था. इसे सिर्फ खाना और सोना पसंद था. One day, as usual, he and his master were headed for the market. हर दिन की तरह ये और इसका master market जा रहे थे. Kalu was carrying heavy sacks of salt on his back. और Kalu जो था, वो बैग, उसके बैग में सॉल्ट का सैक्स रखा हुआ था. द मार्केट वॉज अराउंड 3 kilometers अवे फ्रॉम कालूज मास्टर्स होम. और जो मार्केट था, वो कालू के मास्टर के घर से 3 kilometers दूर था. ऑन द वे देयर वॉज अ स्ट्रीम विच दे यूज टू क्रॉस ईच डे. और उनके रास्ते में एक स्ट्रीम पड़ता था, एक धारा पड़ता था पानी का, जिसे इन्हें हर रोज क्रॉस करना पड़ता था. वन डे, on that day, while crossing the stream, Kalu accidentally put one foot on a small stone and slipped. क्या हुआ? एक बार जब, एक दिन जब वो लोग क्रॉस कर रहे थे, कालू का जो पैर है वो स्टोन पे गलती से पड़ गया और वो स्लिप कर गया स्ट्रीम में. ही फेल इन टू द स्ट्रीम. कंसिक्वेंटली, अंडरलाइन दिस वर्ड, कंसिक्वेंटली, एक्सीडेंटली. Consequently, most of the salt in the sacks dissolved in the water. जो sacks में बहुत सारे जो salt थे, ज़्यादातर salt पानी में dissolve हो चुके थे, मतलब पानी में घुल चुके थे. Underline this word, dissolved. On getting up, Kalu found that the load on this bag had become very light. So, क्या हुआ? जब वो उठा पानी से, तो उसे क्या महसूस हुआ? कि उसके बैग में जो लोड था, वो बहुत ही लाइट हो चुका है. क्यों? क्योंकि जो सैक्स में क्या थे? सॉल्ट. सॉल्ट क्या हो जाता है? पानी में घुल जाता है. सो वो घुल चुका था और उसके जो सैक्स में जो सॉल्ट बच गए थे, वो बहुत कम मात्रा में बच चुके थे एंड वो बहुत लाइट हो चुका था. ही वॉज वेरी हैप्पी. और वो बहुत खुश हो चुका था. Suddenly he had an idea. वैसे ही कालू के दिमाग में एक आइडिया आया. He thought, what if I purposely fall in the stream every day? वो क्या सोचता है कि अगर मैं हर दिन जानबूझकर स्ट्रीम में गिरूंगा तो क्या होगा? Salt वैसे ही वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा and my load will become light. Then I will not have to carry the heavy sacks of salt to the market each day. और फिर क्या सोचा कि ऐसे करने से मुझे हर दिन मार्केट नहीं जाना पड़ेगा इतना हेवी लोड लेकर. दिस वे आई विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड. और इस तरीके से मैं वर्क हार्ड नहीं करूंगा. एंड येस, दिस इज अ गुड आइडिया. आई विल स्टार्ट पुटिंग इट टू यूज फ्रॉम टुमारो. और ये बहुत अच्छा आइडिया, मैं कल से इसे यूज करूंगा. Meanwhile, as there was not much salt left in the sacks, Kalu's master thought it was not profitable to go to the market that day. So they returned home. फिर उस जो sack में जो थोड़ा सा salt बचा था, वो बहुत profitable नहीं था, वो भी भींग चुका था. So Kalu के जो master थे, उसने सोचा कि आज market जाना profitable नहीं होगा. So they returned home. Kalu put his plan into effect the next day. While crossing the stream, he fell into the water. His load became light. He started doing this daily. This continued for around a month. So, क्या हुआ? Kalu next day से ही अपना ये plan use करने लगा. और ये बहुत effective होने लगा. हर दिन वो stream में गिरता था. उसका sack of salt जो रहता था, वो dissolve हो जाता था water में. And then light हो जाता था उसका load. And then उसका जो master था, वो फिर सोचता था कि प्रॉफिटेबल नहीं है. एंड दे अगेन रिटर्न टू होम. कालू टू एंजॉयड हिमसेल्फ बाय डूइंग नो वर्क. और कालू
दे बिकम वेरी कंसर्न एंड सैड. सो व्हाट हैपन, कालू के जो मास्टर थे वो बहुत ही ज्यादा लॉस फेस कर रहे थे, क्योंकि हर दिन उनका जो सॉल्ट का सैक था वो डिसॉल्व हो जा रहा था वाटर में. एंड ही वॉज वेरी कंसर्न एंड बहुत सैड रहने लगे थे. ही इवन फेल इल, वो बीमार भी पड़ चुके थे और डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया था टू कंप्लीट रेस्ट. कालू भी बहुत इंजॉय कर रहा था कोई वर्क नहीं कर कर. वन आफ्टरनून वाइल रेस्टिंग ऑन हिज बेड, कालूज मास्टर पॉन्डर्ड. एक दिन की बात है जब वो रेस्ट कर रहे था, कालू का मास्टर जब वो रेस्ट कर रहा था बेड पर, तो वो पॉन्डर्ड करता है, वो सोचता है व्हाई डज कालू फॉल इन द स्ट्रीम ईच डे. हर दिन कालू क्यों स्ट्रीम में गिर जाता है. हैज ही बिकम वीक, क्या वो बहुत कमजोर हो चुका है. एम आई नॉट प्रोवाइडिंग हिम प्रॉपर फूड, मैं उसे प्रॉपर फूड नहीं दे रहा हूँ. एम आई टू बी ब्लेम्ड और हैज कालू बिकम ओल्ड एंड इनकेपेबल ऑफ कैरिंग हेवी लोड्स एज बिफोर. मैं ब्लेम्ड हूँ या कालू बहुत ओल्ड हो चुका है और बहुत और उससे हेवी लोड्स अब कैरी नहीं हो पा रहा है पहले की जैसे. द मास्टर फेल्ट दैट द रीजन वॉज समथिंग एल्स. लेकिन फिर मास्टर सोचते हैं और उसे महसूस होता है कि रीजन कुछ और ही है. He soon realized that Kalu was playing a cunning trick upon him. So what happened? ये बहुत जल्दी realize कर गया कि जो कालू है, जो donkey है, ये बहुत ही cunning trick उसके ऊपर apply कर रहा है. Cunning मतलब चालाक, बहुत शातिर वाला trick apply कर रहा है. He decided to teach Kalu a lesson. So इसने decide किया कि उसे कालू को वो lesson, बहुत अच्छा lesson एक देगा. ये कालू को बहुत अच्छा lesson देगा. Okay? So, without wasting any time, the very first day, Kalu's master loaded sack of cotton instead of the usual salt on Kalu's back. So, what happened? एक बिना वक्त गवाए हुए कालू के मास्टर ने first day कालू के ऊपर कौन सा डाला? Sack cotton का डाला, salt का नहीं डाला. And the sack of cotton, Kalu thought the sack of cotton are so light in comparison to the sack of salt. Kalu सोचता है कि ये जो salt का जो sack था वो उससे तो बहुत ज़्यादा light है cotton का sack. I will not have to make much effort to carry them. Besides, if I fall purposely in the stream, the sack of cotton will become even lighter. So what did he think, Kalu? कि ये तो ये जो sack cotton का sack है वो सॉल्ट के सैक से बहुत ही लाइट है. अगर मैं पर्पसली स्ट्रीम में गिर जाता हूँ और अगर ये भींग जाता है सैक, तो ये और ज़्यादा लाइट हो जाएगा. सो बट व्हेन ही गॉट, व्हाट हैपेंड देन, थिंकिंग सो व्हाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीम, कालू इंटेंशनली फेल इनटू द स्ट्रीम. बट व्हेन ही गॉट अप, हिज लोड हैड बिकम हेवियर. सो वो पर्पसली वो स्ट्रीम में गिरता है, बट जब वो उठता है उसका लोड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है. द कॉटन ऑन हिज बैक हैड सोक्ड इन अ लॉट ऑफ वाटर. जो कॉटन का सैक था उसके बैक में, उसमें जो उसमें वाटर बहुत ज़्यादा सोक्ड हो चुका था. पुअर कालू, ही हैड टू कैरी द हेवी लोड ऑन हिज बैक ऑल द वे टू द मार्केट. और उसे ये जो हेवी लोड है ये पूरा मार्केट उसे कैरी करके ले जाना पड़ा. दैट डे ही लर्न अ लेसन, उस दिन उसने एक सीख सीखी, नॉट टू बी लेजी एनी मोर. उस लेजी अब नहीं होना है. ही स्टार्टेड डूइंग वॉट एवर टास्क वॉज गिवन टू हिम चेयरफुली एंड विलिंगली. विलिंगली का मतलब होता है अपनी मर्जी से, मतलब जो भी इसे वर्क दिया जा रहा था ये बहुत ही खुशी खुशी करता था और अपनी मर्जी से करता था. ये लेजीनेस करना इसने छोड़ दिया था. सो वॉट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट वन शुड नॉट बी लेजी. हम लोगों को लेजी नहीं होना चाहिए. A lazy person is disliked by everyone. जो lazy person होता है वो उसे कोई पसंद नहीं करता है. And if we do our work cheerfully and willingly, it will be completed in less time and give better results. अगर कोई भी work हमें मिलता है वो हमें बहुत ही खुशी से और अपनी मर्जी से करनी चाहिए. इससे करने से क्या होगा, हमारा work जल्दी complete हो जाएगा और हमें अच्छा result भी मिलेगा. And we should take pride in our work. So what is your homework? आप देख सकते हो कि ये हर पेजेस में मैंने अंडरलाइन किया है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स. यू हैव टू राइट दिस डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर मॉल साइंस कॉपी एंड यू हैव टू डू द बैक एक्सरसाइजेस. मतलब यू हैव टू फिल पेज नंबर 43 इन योर मॉल साइंस बुक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.